नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और स्वागत है आप सभी का आईपीएल अड्डा में। 31 मार्च से आईपीएल का समर शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक साथ प्रभावित हो गई हैं। साउथ अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी जो इन पांचों टीमों का हिस्सा हैं, वो 31 मार्च से नहीं बल्कि 4 दिन बाद यानी 3 अप्रैल को इन टीमों के साथ जुड़ेंगे। प्रोटियाज टीम के कुछ खिलाड़ी जैसे कि कगिसो रवाडा, एनरिक नॉर्किया, डेविड मिलर और एडन मार्क्रम जैसे खिलाड़ी वनडे सीरीज की वजह से इस लीग के साथ थोड़ा देर से जुड़ेंगे। इन सभी स्टार खिलाड़ियों के देर से फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़ने की वजह से ये तमाम टीमें प्रभावित होंगी। ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने BCCI से साफ तौर पर कहा है कि वो अपने इन स्टार खिलाड़ियों को 2 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम में चाहते हैं। साउथ अफ्रीका को मार्च महीने के अंत में नीदरलैंड्स के खिलाफ 2 मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेना है। CSA के इस फैसले का असर IPL की 10 में से 6 फ्रेंचाइजीज पर पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस, इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, इन सभी टीमों का हिस्सा हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। भारत में इस साल के अंत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज में नीदरलैंड को हराना होगा और इसकी वजह से ही क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने यह फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीकी टीम 31 मार्च और 2 अप्रैल को क्रमशः बेनोनी और जोहानिसबर्ग में अपने दोनों वनडे मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने के लिए उतरेगी। यहां आपको बता दें कि BCCI ने बीते साल दिसंबर में ही BCCI ने विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर फ्रेंचाइजी से कहा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी IPL 2023 के लिए 2 दिन पहले यानी 29 मार्च से ही उपलब्ध होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का वनडे सीरीज में हिस्सा लेने को लेकर BCCI को पहले ही सूचित कर दिया है। तो आज IPL अड्डा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपसे IPL की किसी और बड़ी खबर के साथ, अपडेट के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।